हैं अल्फाज तो आप बहुत ही काबिल हैं। अगर अंग्रेजों के लहजे में, दरअसल अंग्रेजी लहजा नहीं है ये लहजा जो है ना ये इधर जो वो एक वो था क्या नाम है जजीरा था ना जहाँ से ये ज्यादातर आज में अंग्रेजी सिखाने वाले जी। तो वो एक लहजा उनका है। तो और अगर उर्दू के एक्सेंट में बोलें तो फिर तो आप बिल्कुल निकम्मे। तो इस पर मुझे ये एक अलग तबका जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है कि हम बाकी जैसे सब कमजोर और पस्त हैं। तो इस पर मुझे वाकई याद आता है कि किसी जमाने जब ये जुलूस वगैरह आज़ादी के निकल रहे थे तो मुसलमान कह रहे थे कि हमें आज़ादी दो वगैरह, तो कुछ जो स्वीपर टाइप क्रिश्चियन थे वो उनमें से पूछने लगा कि ये क्या मुतालबा कर रहे हैं, क्यों नारे मारे लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आज़ादी मांग रहे हैं। तो उसने कहा हम इन्हें आज़ादी क्यों नहीं देते, यानी उनके हाथ में थी आज़ादी जैसे। तो ये अपने आप को बड़ा ऊंचा तबका समझता है, यानी मलाइका में से बहुत ही। अच्छा सर, मसला ये है कि हम पाकिस्तान में उस जगह पे आ गए हैं कि अगर अब आगे बढ़ना है ना तो उससे इनकार भी नहीं करना, बनना पड़ेगा वो तबका यार। अंग्रेजी सीखें आप जरूर, मगर ये जो काबिलियत का मेयार बना रखा ना इसे छोड़ दें। सर अब कोई बात, ये अब सर ये बातें जो है ना बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन जब आदमी जॉब लेने जाता है जब आगे बढ़ने के लिए, यकीन जाने सर मैंने अपने टीवी प्रोग्राम शेर सुनाना छोड़ दिया। लोग मैं शेर सुनाता हूँ, लोग कहते हैं अरे नाजमाबाद में रहता होगा, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा होगा, शेर सुना रहा है। अब अगर मैं यहाँ मसल मिसाल के तौर पर मैंने पाकिस्तान से बाहर कई मुल्कों में प्रोग्राम किए, अब जब मैं अंग्रेजों से बात करता हूँ तो मैं उनसे इंग्लिश में बात करता हूँ, लेकिन जब यहाँ मैं मुकम्मल उर्दू बोलने की कोशिश करता हूँ लोग बोलते नहीं यार ये कहीं ये हमारी क्लास का नहीं है जी। ये लोग कैटेगरी में आता है, इसके पैसे भी इतने कम होने चाहिए, ये सोच है। खैर आधे जिन सिक्योरिटीज पर आते हैं, क्या नौजवानों को इन सिक्योरिटीज आजकल के हालात? सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी हमें ये है कि हमें ये नहीं मालूम में कि हमारा असली दुश्मन है कौन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमें नहीं मालूम कि हमारा असली दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से हम लोग गलत जगह पे अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमें रिजल्ट भी गलत ही मिल रहा है। वो लोग जो है जो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अपनी जो दिल की भड़ास है ना वो निकाल लें। और मैडम आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस बात का? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं तो साहब के हमें ये पता होना चाहिए कि दुश्मन कौन है हमारा। मैं समझती हूँ कि एक इंटरनेशनल गेम है और उसमें बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो बल्कि आपने खुद भी देखा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में आ गया कि भारत से जो ना वो हथियार आ रहे हैं, भारत की जो डॉक्यूमेंट से चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक इंटरनेशनल गेम है जो ये चाह रही है कि पाकिस्तान नहीं होता कि लीडरशिप का फुकदान है हमारे मुल्क के अंदर, हमारी यहाँ कोई गाइडलाइन बताने वाला नहीं है जनाबे वाला कि आप ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल बिल्कुल आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस पार्ट से मेरा ताल्लुक कम्युनिटी मूवमेंट और उसका जो कायदे उसने हर चीज़ हर हवाले से कोई भी
इशू हो गवर्नमेंट में बैठते हुए भी हमने हर उस इशू को जो हमने समझा कि ये इज्तमाई मैटर जो है ना आवाम के खिलाफ जा रहा है, आवाम इसको तो नापसंद कर रही है, हमने उस इशू को भी लिया। पार्टी की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा, मतलब एक जनरल वो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं, एक सरकारी ओहदा है ना सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि खास तौर पे ये जो हालात हमारे चलते आ रहे हैं, स्पेशली एक महीने में जो हमने देखा है, जो पेशावर में जिस तरह से एक बाजार के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, खवातीन बच्चे हलाक हो गए, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हो गया, जगह जगह खौफ और राज जो है पाया जाता है, तो अक्टूबर हमारा खूनी अक्टूबर समझने गुजरा, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि जो लीडरशिप है वो इस बारे में फेल हो गई है कि वो पाकिस्तानी कौम को जो है एतमाद में ले आके और उन्हें बताए, उन्हें कॉन्फिडेंस दे, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, वो कहीं से भी नहीं मिल रहा। देखिए ये चीज़ इस वजह से हो रही है, जो आपने ऑपरेशन शुरू किया रहा है निजात के हवाले से वर्जिस्तान में, उसका रिएक्शन मिल रहा है, वो जो ऑपरेशन है ज़्यादा आपने उनकी घरों में आप जाके दहशत गर्दी के घरों में जा रहे है ना, तो वो रिएक्शन दे रहे हैं, अब वो किसी ना किसी वे में वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के हर चौक पे क्या बात हो रही है इस वक्त। मिसाल के तौर पे आप एक चौक पे जाएं तो पता चला नौजवान बैठे हुए बात कर रहे हैं कि ये इंडिया करा रहा है, दूसरी चौक पे जाएं तो बोलते हैं ये इंडिया की तालिबान करा रही है, दूसरा कहता है ये अमरीका की तालिबान करा रही है, तीसरा कहता है ऐसा की तालिबान करा रही है, चौथा कहते हैं अलकायदा की तालिबान करा रही है, पांचवा कहते हैं कि ये जो ओरिजिनल तालिबान है वो मसद। अब आप देखें ना ये कन्फ्यूजन्स, हम हमारी कोई एक ऐसी लाइन नहीं है, बिल्कुल सही पूरी पाकिस्तान एक बात सोच रही हो, बिल्कुल सही कह रहे, हमारा लाइन ऑफ एक्शन नहीं है कि हमें किस सिमत में जाना है, लेकिन ये हमें सब ने सोचना होगा कि हम जिस दहशत गर्दी में मुबतला उस दहशत को खत्म करना है हमने। एक कॉलर है लाइन खत्म पर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहा हूं? फैसलाबाद। जनाब वाला क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा जी कि ये जो आप कह रहे हैं